दोस्तों यदि आपको याद हो तो कुछ दिनों पहले ही भारत के डिफेंस मिनिस्टर एक बड़ी अनाउंसमेंट करते हैं। अनाउंसमेंट ये कि भारत को जल्द ही उसका तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर मिलने वाला है, और जैसे ही ये खबर सामने निकल के आती है चीन की चिंताएं डबल हो जाती हैं। लेकिन शायद चीन की बढ़ रही चिंता के पीछे ये कारण नहीं था, असली कारण ये था कि भारत सिर्फ 3 एयरक्राफ्ट कैरियर्स पे नहीं बल्कि 5 से 6 एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने वाला है। और इस बड़े कदम के चलते भारत दुनिया का वो दूसरा देश बन जाएगा आफ्टर अमेरिका जिसके पास सबसे ज्यादा मात्रा में एयरक्राफ्ट कैरियर्स होंगे। लेकिन अब खुश हो जाइए क्योंकि भारत के इस बड़े मिशन में अब कई देश भारत का साथ देने जा रहे हैं। अब इस नए एयरक्राफ्ट को बनाने में भारत, फ्रांस, जापान और साउथ कोरिया एक साथ मिलकर के काम करेंगे और नेक्स्ट जनरेशन एयरक्राफ्ट कैरियर्स तैयार किए जाएंगे। आइए इस प्रोजेक्ट से जुड़ी हुई सारी डिटेल्स आपको बताते हैं। बस भारत की इस नई तरह के लिए इस वीडियो को छोटा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों एयरक्राफ्ट कैरियर की बात की जाए तो समुद्र पर तैरता हुआ एक चलता फिरता आइलैंड जिस पर कई प्रकार के हथियार तैनात किए जा सकते हैं। अभी भारत के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। पहला है INS विक्रमादित्य और दूसरा है INS विक्रांत। दोनों का ही डिस्प्लेसमेंट करीब 45,000 टन के आसपास है। लेकिन हाल ही में चीन ने अपना तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर जिसे वुजान नाम से जाना जाता है उसे लॉन्च किया है और उसकी कैपेसिटी करीब 80,000 टन के आसपास डिस्प्लेसमेंट की है। इसीलिए भारत का जो तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर है जिसका नाम है INS विशाल, इसे लगभग बनाने और डिजाइनिंग का काम शुरू किया जा चुका है जिसका डिस्प्लेसमेंट करीब 65,000 टन के आसपास रहने वाला है। और उसी समय भारत के डिफेंस मिनिस्टर बड़ी अनाउंसमेंट करते हैं कि हम सिर्फ 3 एयरक्राफ्ट कैरियर्स नहीं बल्कि अपने पास करीब 5 से 6 एयरक्राफ्ट कैरियर्स तैयार करेंगे, और यही चीन की असली चिंता की वजह है। लेकिन जैसे ही रिपोर्ट सामने निकल के आती है क्वाड मेंबर्स के साथ साथ फ्रांस, इंडिया, जापान और साउथ कोरिया मिलकर के नए एयरक्राफ्ट कैरियर्स पर काम करेंगे, इससे चीन की चिंताएं डबल हो चुकी हैं। और अगर हम बात करें नए एयरक्राफ्ट कैरियर की कुछ डिटेल्स की तो इसकी लंबाई करीब 860 फीट होने वाली है। नए एयरक्राफ्ट कैरियर को पावर देने के लिए जनरल इलेक्ट्रिक LM2500 प्लस सीरीज के टर्बोफैन गैस टर्बाइन इंजन का इस्तेमाल किया जाएगा। ये एक 2 शाफ्ट वाला इंजन है। इसकी टॉप स्पीड 28 किलो नॉट्स और आइडियल कंडीशंस में इसकी रेंज करीब 7,500 नॉटिकल माइल्स होने वाली है। प्रोटेक्शन की बात की जाए तो इस एयरक्राफ्ट कैरियर पर बहुत सारी प्रकार की मशीन्स गन्स को इंस्टॉल किया जाएगा। इसी के साथ इस पे सरफेस टू एयर मिसाइल लॉन्चर्स इंस्टॉल किए जाएंगे। वहीं क्लोज इन वेपन सिस्टम्स और कई प्रकार के फाइटर जेट्स तैनात किए जाएंगे। वही बताया गया है कि इसके ऊपर करीब 28 फाइटर जेट तैनात किए जा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कि इस एयरक्राफ्ट कैरियर को भारत स्वदेशी रूप से तैयार करने वाला है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसे कोचिन शिपयार्ड के अंदर तैयार किया जाएगा और इसकी जो टोटल कॉस्ट है वो अराउंड 16 to 17 billion $ तक पहुँच सकती है। वहीं एक्सपेक्टेशंस लगाई जा रही है कि 2030 तक भारत को तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर मिलने वाला है, और जब बड़े पार्टनर्स हमारे साथ मिल चुके हैं तो हम नई एडवांस टेक्नोलॉजीज के साथ इसे तैयार कर सकते हैं और होपफुली इसमें हमें बड़े चेंजेस भी देखने को मिल सकते हैं। क्या है ओपिनियन, भारत को इन देशों के साथ पार्टनरशिप करनी चाहिए या फिर नहीं, कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताइए। भारत के ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वंदे मातरम, भारत माता की।